हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, तो हमने उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके सॉल्व किया था। अब अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है और उसके बीच हमें और रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम 3/5 को सॉल्व करेंगे, यानी हम 5 से 3 को डिवाइड करेंगे। चूँकि 3 छोटा है 5 से, इसलिए सबसे हमें पहले डेसिमल लगानी होगी। डेसिमल लगाने के बाद हम एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अब हम टेबल लेंगे, 5 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है 30। माइनस किया, हमें आंसर मिल रहा है 0.6। लास्ट में अगर हम चाहें तो हम 0 अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिला, 3/5 का आंसर 0.60। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम अब 4/5 को सॉल्व करेंगे। अब हम 5 से 4 को डिवाइड करेंगे। चूँकि 4 भी छोटा है 5 से, इसलिए हमें डेसिमल लगा के एक 0 बढ़ानी होगी। नाउ 5 8 40। सब्ट्रैक्ट किया, हमें आंसर मिल रहा है 0.80। इस तरह से आप देख सकते हैं हमें दो नंबर मिले हैं, 60 एंड 80। अब हमको इनके बीच के कोई भी 5 नंबर लेने हैं, तो हम ले सकते हैं 0.60 के बाद क्या आएगा, 60 के बाद 61, देन 62, 63, 64 एंड 65। इस तरह से आप 5 रैशनल नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 6 रैशनल नंबर बोले हैं, तो हम एक और नंबर लिख लेते हैं 66। इस तरह से आप 3/5 और 4/5 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको 10 रैशनल नंबर बोले हैं, तो आप 66 के आगे 67 68 69 तक कंटिन्यू करके क्वेश्चन नंबर 3 अपने CW में कंप्लीट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये ओरल क्वेश्चन है। मैंने आपको डेफिनेशन जो सिखाई थी फर्स्ट वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका जवाब देना है। हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पहला ट्रू फॉल्स है हमारे पास, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बताई थी 1 to infinite, और होल नंबर की डेफिनेशन बताई थी 0 to infinite। यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू। ट्रू बिकॉज होल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? अब इंटीजर की डेफिनेशन अगर हम याद करें, तो इंटीजर की डेफिनेशन में हमने कहा था नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, ठीक है? और होल नंबर में क्या होते हैं, सिर्फ 0 और पॉजिटिव नंबर। तो अब आप मुझे बताइए, क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? नो, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर्स। जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो होल नंबर में नहीं होते हैं। थर्ड है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब आपको ये बताना है, क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? तो सबसे पहले रैशनल नंबर कैसे होते हैं, 3/5, 2/3, 7/9, ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो नंबर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं, आप देखिए इनको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो आपको आंसर कैसे मिलेंगे, डेसिमल में आंसर मिलेंगे। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर डेसिमल में आंसर मिलेंगे तो वो होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में डेसिमल नहीं होती। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी CW में सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।